वही अकोला के रिधोरा के पास 25 जुलाई को शेगांव से अकोला आ रही बस में ड्राइवर के पास इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत बस को साइड में रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। हालांकि आग को बुझाने के प्रयत्न किए गए लेकिन असफलता ही मिली। आग को बढ़ता देख अकोला महानगर पालिका दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई। दमकल विभाग के दो फायर इंजन ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अच्छी बात यह रही कि बस में मौजूद 44 यात्रियों की बाल बाल जान बची और किसी प्रकार की कोई जीवित हानि नहीं हुई। अकोला से संवाददाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट।